tenniscricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। पे खेलते पे टाइमिंग बेहतरीन, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए चौका, इन बीच चौका। मुंबई किंग्स चाहेगी मैक्सिमम रन बनाए, जो यहां पर गुजरात की टीम बालाजी, गुजरात बालाजी का लिए आशीर्वाद। ये शॉट पर अच्छा है, ये शॉट गगनचुंबी है और अभी तक का सबसे लंबे छक्कों में से है। गिन लीजिए, देख लीजिए, अपनी आंखों में इसे बसा लीजिए। ये बल्लेबाज नहीं है आम, ये बल्लेबाज है बेहद खास। अच्छा स्ट्रोक था, ऑन साइड पर लंबे छक्के लगाने वाले माहिर खिलाड़ी रजत मुंडे। टॉस गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, टाइमिंग बेहतरीन, गेंद बाउंड्री की तरफ बिल्कुल ट्रैवल, चार रनों के लिए जा रही है, चौका मिलेगा। और यह मुकाबला अगर देखे तो बहुत बढ़िया तरीके से आज बालाजी ब्रदर्स ने अपने नाम पर कर दिया। गुजरात एएनबी वॉरियर्स, नेक्स्ट मैच अनदर बिग मैच। पर ये बुल शॉट में तो मजा आ गया, इनक्रेडिबल सुपर डुपर सेवी ऊपर, एंडी स्पोर्ट्स फाउंडेशन नेकलेंस कर देते हैं फील्ड को ये खिलाड़ी, बहुत बढ़िया शॉट। जी बिल्कुल हर्षित, यहां पे देखिए वाटर पुल नहीं, रन के पुल बना। अगली गेंद की तरफ चलते हैं, मोहित मीना की राइट आर्म राउंड द विकेट के साथ बतौर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, इस बार ओवर द टॉप ऑफ द लॉन्ग ऑफ, लीजिए मिड ऑफ का फील्डर सर्किल के अंदर मौजूद अविरान अविनाश राणा की परेशानी को थोड़ा सा बढ़ाएगा ये छक्का, रजत मुंडे के बल्ले से अद्वितीय छे। बैट मध्य अप्रतिम षटकार आला है ज्याची नित्यंत आवश्यक होती, काय जबरदस्त फटका होता, सुंदर टाइमिंग। अबला कुटुंबात चेंडू ऑन साइड लखडला, स्कोरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक त्या चेंडू करून चेंडू जात असताना तो या ठिकाणी थांबवला, अप्रतिम अप्रतिम क्षेत्ररक्षण डीप स्कोर लेगला। रजत मुंडे फॉर्म मध्ये, चांगली बॅटिंग तो करतोय, धापलकावरती धाबा होत आहेत 10, दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धापल, छान गोलंदाजी आतापर्यंत गोलंदाजाकडून झाली आहे, छान फटका सुंदर पद्धतीने कबर ड्राइव्ह केला, गॅप मध्ये टायमिंग चांगला, गॅप मध्ये चेंडू जातोय, त्या सीमारेषा यावेला फोडणार का नाहीये, यावेला प्रेक्षकांच्या दिशेने गेलेला डीपेस्ट टॅकेबला गेलेला चेंडू होता, अत्यंत सुंदर फटका, चांगलं टायमिंग, तीन धाबा पूर्ण होता है आणि आता बघा यावेला जल्लोष सुरू झालाय, प्रेक्षकांमध्ये जल्लोष सुरू झालेला आहे आणि वातावरण जर बघितलं तर खूप सुंदर आहे आणि शेवटचं काही अत्यंत महत्त्वाचे मॅच म्हणजे सेमीफायनल नंतर फायनलचा मॅच येणार आहे, त्याकरता देखील अत्यंत पोषक असं वातावरण या सिंहगडच्या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। इलेक्ट्रिफाइंग ॲटमॉस्फियर, इंटरनॅशनल फ्लेवर, जिस तरह से दर्शक आज भर के आए हैं और मैच में जो माहौल बनाए हैं कहीं ना कहीं रोमते खड़े कर देने वाली माहौल यहाँ पे। और देखिए तीसरे ओवर का खेल यहाँ पे जारी, तो मध्ये थोड़ा सा बदल केला गेलेला आहे, चांगला चेंडू कोरबर टप्प्याचा खोदून काढला ऑन साइड ला, खूप अत्यंत सुंदर फटका, चेंडू जाय सीमारेषा पार, धावमिती चार, खणखणी दर्जेदार चौकार, टाळ्यांचा गजर होतोय, काय आपला तुरपट कसा सजवलाय, थैंक यू डीजे। तो सिंगल पेस भरोसा रख रहे थे, समय बिता रहे थे और इस